न्यूज वॉइस जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। भारतीय रेल को केंद्र सरकार की ओर से आज बड़ा तोहफा मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 85,000 करोड़ से ज्यादा की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम को लेकर 674 स्टेशनों पर कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर भी परियोजना का शिलान्यास किया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली रही, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला महामंत्री सत्यदेव यादव ने। पोपली ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आज जिस प्रकार से भारत प्रगति कर रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार की देन है। रेवाड़ी में चारों तरफ जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चरल विकास हुआ है, वह अभूतपूर्व है। सड़कों के विकास के साथ रेलमार्ग का विकास रेवाड़ी की प्रगति में सहायक बना है। 152 डी द्वारका एक्सप्रेसवे तथा रेवाड़ी के आसपास बने हुए हाईवे विकास की नई गाथा कह रहे हैं। रेलवे में भी रेवाड़ी स्टेशन के विकास के कार्य प्रगति पर है। हरियाणा को 5 वंदे भारत ट्रेन मिली हैं। इस कार्यक्रम में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अजय कांटीवाल, सुनील ग्रोवर, सोमदत्त प्रधान, सत्यनारायण शर्मा, रमेश चंद्र मीणा, ADST गौरव कुमार DMO, राजकुमार शर्मा DCMI तथा CP यादव स्टेशन अधीक्षक भी उपस्थित रहे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुनील ग्रोवर जी, अजय कांटीवाल जी, साथ ही सत्यनारायण शर्मा जी, सोम भाई और यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई और बहन, आज जो हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैं ये मानती हूँ कि एक और कड़ी विकास में जुड़ने वाली है। अगर रेवाड़ी के परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँ तो चारों तरफ जिस तरह से विकास की धारा बह रही है, आज एक कड़ी और उसमें जुड़ने जा रही है। रेलवे स्टेशन जब हम 10 साल पहले देखते थे तो पिक्चर अलग दिखाई देती थी, सब तरफ ऐसा लगता था कि कहीं पुराने जमाने पर आ गए हैं, लेकिन आज जब यहाँ मंच पर बैठकर मैं ट्रेन को आते हुए देख रही थी कि किस प्रकार से डेवलप हो चुका है स्टेशन और भी कार्य लगातार से चल रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी तकरीबन 6,000 परियोजनाओं का यहाँ पर शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं, जिसकी पूरी कॉस्ट 85,000 करोड़ रुपए है, जिसमें हमारा स्टेशन भी आता है, वो बहुत ही सौभाग्य की बात है। इससे पहले भी तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रेवाड़ी के आसपास देख लीजिए, रेवाड़ी में देख लीजिए, वो हो रहे हैं। चाहे कल की बात कर लीजिए, कल द्वारका एक्सप्रेसवे का जिस प्रकार से उद्घाटन हुआ, वो हमने देखा कि एक ऐसा रोड जो विदेशों में देखा करते थे, वैसा रोड, वैसा हाईवे हमारे यहाँ पर डेवलप हुआ है, और ऐसे ही रेवाड़ी स्टेशन में भी जो डेवलपमेंट है वो लगातार हम देख रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, तकरीबन 850 जो रेलवे स्टेशन है उनके पुनर् विकास के जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे। न्यू रेवाड़ी स्टेशन की भी मैं बात करूँ तो वहां पर डबल स्टैक ट्रेन चलाई गई जो कि 3 किलोमीटर थी, और उसका मेन उद्देश्य यही था कि किसी तरह से इस रेलवे स्टेशन को कंजेशन फ्री किया जाए, ताकि जो रेल यात्री हैं उनको कहीं पर भी मुश्किल नहीं हो, मालगाड़ी वहां पर शिफ्ट हो जाए। तो ये जो सारे विकास के कार्य हैं, चाहे मैं यहाँ पर रेलवे विकास की बात करूँ या रोड्स की बात करूँ, और रेवाड़ी के अगर आप आसपास देख लीजिए किस प्रकार से 152 डेवलप हुआ है, नानुल रोड पर आप देख लीजिए, ऐसा लगता ही नहीं कि हम हरियाणा में है या भारत में है, और ये सारी जो डेवलपमेंट है इसका पूरा श्रेय मैं नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहूंगी, अपने प्रधानमंत्री जी को देना चाहूंगी और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहूंगी। अभी यहाँ पर राजकुमार शर्मा जी बता रहे थे कि किस प्रकार से हमारा जो रेल बजट है वो 9 गुना हुआ। अगर हम 2009 और 2014 से बात करें तो तकरीबन हमारा 9 गुना जो हमारा रेल बजट बढ़ चुका है। इसके लिए मैं कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो छोटी परियोजनाएं हैं, छोटे कार्य हैं जो जनता के लिए करने वाले हैं, जिसके लिए अभी सुनील ग्रोवर जी भी बता रहे थे, सत्यदेव जी भी बता रहे थे, वो उन सबकी तरफ भी ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, हमें प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन को भी सुनना है। तो मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।